हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट अर्जेंट नोटिसेस जारी हुए हैं। तो आज हम इस नोटिस के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं, और साथ में फ्रेंड्स स्टेट वाइज स्टेट वैकेंसी राउंड की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू स्टेट वैकेंसी राउंड की फाइनल ये जो कट ऑफ है वो कितनी गई है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो साथ में फ्रेंड्स, यदि 12th के बाद आप अपना करियर लॉ में सोच रहे हैं, तो आपको ये सोचना है सबसे पहले कि एक लॉयर किस तरीके से बना जाता है। तो लॉयर बनने के लिए सबसे पहले आपको क्लैट का एग्जाम देना पड़ता है। तो क्लैट का जो एग्जाम डेट है वो फाइनली अनाउंस कर दी गई है कि 13 जून को आपका फाइनली क्लैट का एग्जाम होगा। तो क्लैट के एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, ये सब आपको तैयार करने हैं। तो जैसे आपका इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, मैथ्स हो गया, आलो एप्टीट्यूड हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अन एकेडमी आपके लिए अमेजिंग ऑफर लाई है क्लैट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ये आपका एक ड्रॉपर बैच रहेगा। ड्रॉपर स्टूडेंट्स जो है, जिन्हें एक साल का ड्रॉप लिया है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बैच स्पेशली डिजाइन किया गया है कि क्लैट 2021 का एग्जाम वो क्लियर कर सके। तो इस बैच के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। आपका 6 मंथ का बैच रहेगा, जिसमें रेगुलर आपके टेस्ट रहेंगे, क्विजेज रहेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा, और रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली है। जो आपका सिलेबस है वो न्यू क्लैट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका डिजाइन किया गया है। तो जो आपकी लो फैकल्टी रहेगी, लो बैकग्राउंड से ही रहेंगी, जो भी टॉप फैकल्टीज आपको यहाँ क्लासेस देने वाली है, तो वो न्यू क्लैट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर क्लासेस देगी। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस रहेगी, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उसकी एक पिक्चर भेज सकते हैं, और रिटर्न में आपको सॉल्यूशन का वीडियो मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो बैच है ये आपका 18th ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इस दिन मंडे से आपका ये स्टार्ट होगा। तो फुल आपका कोर्स रहेगा। तो फाइनली यदि आपको प्रिपेयर होना है क्लैट के एग्जाम के लिए, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है, लो कॉलेज, बेस्ट लो कॉलेज आपको चाहिए, तो अकेडमी को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, और साथ में फ्रेंड्स मेरा रेफरल कोड है RC2020। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो RC2020 यूज करेंगे तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में जो भी आपके अनअकैडमी के फ्री प्रोडक्ट्स हैं उनको आप अनलॉक कर सकते हैं RC2020 रेफरल कोड से। जो कि आप अनलॉक करेंगे फ्री प्रोडक्ट्स को, तो वो फ्रीली फ्री रहेंगे आपके, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से डायरेक्टली आप खुद को इनरोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि फ्रेंड्स मैं बात करूं कट ऑफ की, तो यहाँ पर जो कट ऑफ दी गई है वो फाइनली आपका स्टेट वैकेंसी राउंड के बाद जो कट ऑफ आई है वो आपकी दी गई है कि लास्ट जो मेरिट है, लास्ट रैंक का जो स्टूडेंट है वहाँ एडमिशन हो पाया है। ये एम्स की बात हो रही है। तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ रही है वो 15692 रही है। ओबीसी कैटेगरी की जो लास्ट कट ऑफ रही है रैंक वाइज, वो 16124 हुई है। 16124 रैंक के स्टूडेंट का लास्ट एडमिशन हो पाया है। ऐसे ही एससी कैटेगरी का जो लास्ट क्लोजिंग रैंक रहा है वो रहा है 82623, और एसटी कैटेगरी का लास्ट क्लोजिंग रैंक रहा है 1258। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए तो 16140 आपका लास्ट कट ऑफ रहा है, और पीडब्ल्यूडीपीएडी कैटेगरी के अंदर मेरिट जो रहा है लास्ट आपका वो रहा है 6,96,928। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो लास्ट क्लोजिंग रैंक है या फिर जो मेरिट ओवर हुई है वो बहुत ही कम मार्क्स तक के स्टूडेंट का एम्स के अंदर एडमिशन हो पाया है। जो टोटल आपके 19 एम्स कॉलेजेस है उन सभी की कट ऑफ आप देख सकते हैं। ये है स्ट्रे वैकेंसी राउंड की, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड और मॉप अप राउंड आपका पहले हो चुका था, स्ट्रे वैकेंसी राउंड अभी आपका चल रहा था। तो फाइनली अब आपकी एक भी सीट वैकेंट नहीं बची है एम्स के अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नोटिस की। तो अगर बात की जाए कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है, तो फ्रेंड्स क्लासेस से रिलेटेड एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर न्यू नोटिस आपका जारी हुआ है, तो देखिए। तो फ्रेंड्स आपका जो फाइनली जो क्लासेज स्टार्ट होगी वो सुपर स्पेशलिटी बैच की आपकी स्टार्ट हो रही है 19th ऑफ जनवरी की, और यदि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एमबीबीएस बीडीएस की बात की जाए तो ये 2nd ऑफ फेब्रुअरी से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो रही है। ये फाइनल डिसीजन आपका आ चुका है, क्योंकि इन डेटेड को लेकर काफी चेंज हुआ है, काफी एक्सटेंशन हुई है। तो ये आपकी फाइनल डेट है कि 2nd ऑफ फेब से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेट के नोटिस पर। तो फ्रेंड्स
ये आपका नोटिस है महाराष्ट्र स्टेट से, आप देख सकते हैं, ठीक है, लेटेस्ट नोटिस है आपका। तो ये किससे, किसके रिगार्डिंग है, एक्सटेंशन से है। तो एक्सटेंशन फॉर लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग बीडीएस कोर्सेज मॉप अप राउंड के लिए। और ये कौन सा मॉप अप राउंड चल रहा है, फोर्थ मॉप अप राउंड चल रहा है। जैसे आपने देखा होगा ऑल इंडिया के अंदर क्या हुआ कि मॉप अप राउंड के बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या किया कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड ना कर मॉप अप राउंड के ही राउंड करवा दिए, 1 2 3 4, कि जितने भी मॉप अप राउंड के अंदर वैकेंसी बची वो 2 के अंदर आपकी मूव कर दी, 2 के अंदर वैकेंसी बची 3 के अंदर मूव कर दी, 3 के अंदर बची वो 4 के अंदर मूव कर दी, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर क्या दिया है कि जो लास्ट डेट रहेगी बीडीएस कोर्सेज की ज्वाइनिंग की गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन डेंटल कॉलेज के अंदर मॉप अप राउंड 4 की, वो एक्सटेंड कर दी गई है 15 जनवरी से अब 20 जनवरी कर दी गई है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट है एमबीबीएस कोर्स में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट से हो, कॉर्पोरेशन या प्राइवेट या माइनॉरिटी कॉलेज से हो, तो वैकेंट सीट है वो 15 जनवरी के बाद आपकी मिल जाएगी। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहां पर विजिट करते रहना है, वहां से आपको ऑफिशियल डिक्लेरेशन मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे आपके इंपोर्टेंट नोटिस। फिर भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आपके एग्जाम, आपके रिजल्ट, आपके कट ऑफ से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल मिलेगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।